एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत बिछिया कैंप स्थित पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 279 मुख्य आरक्षियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा मैपल ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने सभी आरक्षियों से अपील करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी स्वयं सड़क सुरक्षा में यातायात नियमों का पालन करें तथा आमजन से एक आदर्श पुलिस दोस्त की तरह व्यवहार करें। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करें तथा दो पहिया वाहन चलाते समय तीन सवारी ना बैठाएं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन तथा नशे की हालत में गाड़ी और ओवर स्पीड में वाहन ना चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी जवान स्वयं अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदार तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें। इस अवसर पर TSI मनोज कुमार राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, मैप लगाकर कहीं जाना है, निर्देशन बजाना है, कोई यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं ड्यूटी में हैं, आपको मालूम हो जाए, लोकल से लोकल जानकारी आपको मिलेगा इसमें। उस जगह का आपको फोटो सहित मिलेगा। आप किसी चौराहे पर गए हैं तो उस पूरा चौराहे को सब फोटो दिखाएगा। अगर किसी इसको लोड करिए, इसमें आप भी सूचना डाल सकते हैं। इसमें आपको जैसे कि आज DIC कार्यक्रम है तो दिया था, इसमें आपको लोकल जानकारी भी मिलेगी। और मान लीजिए कि रास्ते में कहीं सड़क धस गई है, पुलिया टूट गई है या बाढ़ आ गई है, लोग वो जानकारी देते हैं मैपल्स टीम के लिए। अब मैपल्स की टीम भी पैदल काम करती है तो सूचना को क्रॉस वेरिफिकेशन होने के बाद अपलोड किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी है। और जब आपको पता है कि खजनी जाने वाले मार्ग पर ऊपर पानी बह रहा है तो वो साथ में आपको अल्टरनेटिव रूट भी बताता है कि बगल में किस रास्ते से और कितनी देर में पहुंच सकते हैं। ये ज़्यादा उपयोगी है, हमेशा नेविगेशन में आप लोग इसी का यूज करें, इसीलिए इसके लिए जो है आपको डाउनलोड कराया गया है। महोदय, द्वारा आपको जो बताया जा रहा है मैपल्स के बारे में, तो लगभग सर सारी बातें बता दे चुके हैं, हेलमेट के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, HSRP के बारे में, रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए लास्ट में घेर के रखा है। पर उपयोगी लेक्चर था ये, हम लोग देखते रहते हैं सड़क पे ड्यूटी के दौरान आम नागरिकों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हेड इंजरी होती रहती है। वो हेड इंजरी किसी के साथ हो सकती है, दुर्घटना होती है तो नहीं जानकारी होती है, ना पता चलता है, स्वयं तो किसी को पता ही नहीं होता है। और दुर्घटना से को क्या मतलब कि पुलिस वाला है कि कौन है क्या, दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो केवल स्वयं के बचाव के लिए, क्या पुलिस कर्मियों के साथ दुर्घटना नहीं होती? पुलिस कर्मी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि पुलिस कर्मियों को हमेशा बाइक से तुरंत और टाइमली, पुलिस वाले तो बेधासा चलाते हैं क्योंकि उनको समय से ड्यूटी पे पहुंचना होता है। अपनी मजबूरियां हैं कि लोग चोरी से चाहे थाने से मतलब बच्चों में भागें या जहाँ भी भागें या गैर जनपद रहते हैं, तो आप लोग हेलमेट जरूर पहनिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को ध्यान में रखें हेलमेट पहनिए। बाकी केवल यही एक बात कहनी है क्योंकि सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो एक मिनट और लूँगा, आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे ट्विटर पे तुरंत आपका फोटो खींच लेगा जिसको पता होगा, तो आपसे जो खार खाया होगा पब्लिक का व्यक्ति वही आपका फोटो लेके आपकी बाइक का चलाते समय कि आपने हेलमेट नहीं लगाया है, फिर आप लोग उसको पेंडिंग डालोगे, जुगाड़ में रहोगे कि कब न्यायालय जाएगा, कैसे जाएगा, वहाँ से निपटा लें। पर एक बार जो अपराध FIR NCR किसी की चिपक जाती है तो वो खत्म थोड़ी होती है। यातायात नियमों का पालन करें और सभी को जागरूक करें, थाने में भी सभी को जागरूक करें, अपनी यूनिट में अपने परिवार वालों के लिए भी इसका दायित्व समझाएं। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर में आज हमारे हेड कांस्टेबल का जो कोर्स कर रहे हैं आरक्षी, उनके लिए यातायात नियमों के बारे में और सड़क पर चलने के दौरान पुलिसकर्मी स्वयं क्या सावधानियां रखें ताकि पुलिसकर्मियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो, एवं नागरिकों के प्रति वो कैसा व्यवहार करें जिससे कि नागरिक ऑफेंडेड महसूस ना करें, नागरिक ये महसूस करें कि पुलिस उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए है।
ना कि उनका चालान करने के लिए। तो व्यवहारिकता के रूप में उनके लिए सेंसिटाइज किया गया कि नागरिकों से सड़क पर ड्यूटी के दौरान और ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान उनके लिए एक फैसिलिटेटर का काम करें, सहायता का काम करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें और यातायात नियमों को स्वयं अपनाएं और दूसरे लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि यातायात नियम ना अपनाने से जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में जान माल की हानि होने से पूरा पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो सुरक्षित सफ़र के लिए सभी के लिए जागरूक किया गया और MB एक्ट के प्राविधानों से अवगत कराया गया। कुछ संदेश भी दिए गए संदेश जवानों को ये दिया गया कि जब भी वाहन के लिए हाथ लगाएं, वाहन के लिए जब भी हाथ लगाएं तो चाबी के साथ हेलमेट जरूर होना चाहिए। अगर चाबी के साथ हेलमेट नहीं है तो वाहन को कदापि ना छुएं। वही चीज़ फोर व्हीलर पे लागू होती है कि जब भी हम फोर व्हीलर बाहर निकालें तो इग्निशन स्टार्ट करने से पहले हम सीट बेल्ट लगाएं। अगर हम इसको एक आदत का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से सड़क पर होने वाली बहुत सारी दुर्घटनाओं से स्वयं को और दूसरों को बचाया जा सकता है।